What's up guys? आज हम देखेंगे 69.96% people fail to solve these riddles. Level impossible. तो उन सब में शामिल है मैं, बाकी बचा हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ. आज हर एक रिडल का आंसर आपका भाई देगा. और आप लोग भी देना. ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो. कितने आंसर करता है? यस, तू तो भैया तू नहीं दे सकते आंसर, इसको कुछ नहीं पता है. करते हैं साथ में एंजॉय. 1 2 3 गो. हेलो, आई एम अंडर द वाटर, देयर टू मच रेनिंग, प्लीज सर हेल्प. हेलो गाइस, इट्स मी ट्रिगर चिकू. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम करने वाले हैं अपना आईक्यू टेस्ट विद बिग ब्रेन रिडल्स. तो देखो है, आज मैं कोई रिडल खोल के नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हर बार जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे गेसेस कर लेता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ अच्छे अच्छे आंसर, फिर उसके बाद कोई ना कोई कमेंट में लिखता है भाई तुम तो पहले से ही वीडियो देख के बैठे होगे, इसलिए तुम्हें पहले ही पता था आंसर कौन सा. तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस बार हमारे माइंड और लॉजिक भाई जो है वो बहुत अच्छी अच्छी रिडल्स बनाते हैं, उनके चैनल पे हम आए हैं. एंड यहाँ पे कोई भी रैंडम सी मैं वीडियो उठाने वाला हूँ, ठीक है? मैं देख भी नहीं रहा, ये मैंने कर ली आंखें बंद, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, जिस पे भी मेरा माउस पॉइंटर आएगा ना वो वाली पिक कर लूंगा. दोनों में कौन बचेगा? चलो 7.5 मिलियन व्यूज है, ठीक है? ठीक है, इन बॉक्सेस को ध्यान से देखिए. ओके, मैं पहले बॉक्स में डोनट को रख रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, आपको बताना है डोनट कौन से. ये तो बहुत इजी है भाई, इजीएस्ट थिंग. कोने वाला, सेंटर वाला, फर्स्ट वाला, कोने वाला, कोई तो फंसेगा, सेंटर वाला, फर्स्ट वाला, कॉर्नर, सेंटर, बीच वाला. बी, आंसर देखने से पहले आपके आंसर कमेंट कीजिए. बी, इफ इट इज नॉट बी देन आई डोंट नो व्हाट इट कुड बी. बी है, तू तो कॉपी कर रही है. सही जवाब है, ऑफ कोर्स. अगर आपका जवाब सही है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. गाइस, क्या आपका आंसर सही आया है? तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो. एक मर्चेंट शिप से समंदर की सैर पे निकल पड़ता है, पानी में गए. कुछ दिन बाद एक आइलैंड पे उसे बहुत ही बड़ा और एक सुंदर हाथी दिखता है. आइलैंड, आइलैंड पे हाथी. वो अपनी शिप के साथ उस आइलैंड पे पहुंच जाता है. मर्चेंट सेक्रेटरी के साथ अपने आइलैंड पे उतरता है. उतर गया. हाथी के पास पहुंचते ही वो मन बना लेता है कि वो हाथी को अपने साथ लेके जाएगा. शिप पे हाथी डालेगा. पहले मर्चेंट को उस हाथी का वजन जानना था. ओके, उस आइलैंड पे ज्यादा से ज्यादा 150 केजी वजन वाली मशीन थी. तो वो आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है, किसी भी तरह इस हाथी का वजन करके बताओ. ब्रो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनल अटैक कर रहा है, ये बार बार मुझे हाथी क्यों बोल रहे हो. 90 किलो तो मेरा भी है. थोड़ा सोचता है और तुरंत हाथी का वजन करके मर्चेंट को बता देता है. precise. कैसे सेक्रेटरी ने हाथी का वजन कैसे किया, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए. आई थिंक तुक्के से, क्योंकि अगर 150 किलो का वजन चेक किया जा सकता था. एक सेकेंड, अगर 150 किलो का वजन चेक किया जा सकता था तो इसका मतलब हाथी का वजन अगर 150 से ज्यादा होगा तो क्या वो उसका वजन चेक नहीं कर पाएगा? मैं तो सोचता हूँ ये दो आदमी यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं, ये दो आदमी जो आइलैंड वाले दिए हुए हैं इनसे कुछ होना चाहिए. मैं बताता हूँ देखो कैसे हुआ होगा. उसने जो है आदमियों का वजन चेक करा. लेट से एक आदमी का वजन आया 80 किलो और एक आदमी का वजन आया 92 किलो, जो कि मेरा वजन है, ठीक है? फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने बोला होगा कि मुझे देख के लग रहा है कि हाथी का वजन मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलो ही ज्यादा होगा. फिर कोई सेंस नहीं है अपने आप को ही फैट शेम कर रहा हूँ. पहले एक बार जब वजन चेक किया होगा उसने तो 150 से पार चला गया होगा वजन. फिर उसने फिर से हाथी को रखा होगा मशीन, फिर 150 से पार चला गया होगा. फिर उसने फिर से हाथी को सेंस है इस बात की. दूर यार तुक्के से ही किया होगा. आंसर तुक्का है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. सेक्रेटरी सबसे पहले हाथी को शिप पे रखता है. ओ भाई एक सेकंड, रिडल में ये बोला गया था कि शिप पे उसको ले जाने से पहले उसने बोला है पहले वजन चेक करना है. तो ये तो भाई सिलेबस के बाहर से आ गया ना कि हम शिप पे उसको रख सकते थे. धोखा. चलो अब जो हमें पता चल गया है कि शिप पे रखा जा सकता है, जब हाथी को उसने शिप पे रखा होगा तो शिप जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई होगी. जितनी शिप नीचे गई होगी वो जितना डिस्टेंस मूव करी होगी, फिर उसने बॉयंट फोर्स जो होती है ना वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा. बॉयंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी, जो बॉयंट फोर्स होती है उसकी हेल्प से उसने वेट निकाल लिया. इससे ही हाथी को शिप पे रखता है, शिप पानी में थोड़ा अंदर जाता है, फिर सेक्रेटरी शिप जितना नीचे जाता है उस जगह पे एक निशान बना देता है और अब हाथी को नीचे उतार देता है. फिर वो बाकी जो दो आदमी है उनको शिप पे डालता है. फिर पता चल जाता है क्योंकि आदमियों का तो वेट पता ही है. ओह यस 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 यू आर राइट. इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी वाली मशीन्स को यूज करके स्टोन्स को वे करता है
इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी से कम वजन वाले स्टोन्स लेके आता है। इन स्टोन्स को वो एक एक करके शिप में रखना शुरू। अरे पर हाथी का वेट चेक करना ही क्यों है? मैं देख के बता सकता हूँ, होगा 300-400 किलो का। यार आगे बढ़ो भाई, ये वाली पजल बेकार जो पजल तुमसे सॉल्व ना हो वो पजल ही बेकार है। सीन को ध्यान से देखिए, एक लड़की की हो गई है। ओह माय गॉड, आपको बताना है कि ये एक मर्डर है या एक है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो दिखाना जो वर्ड भाई ने बोला कि क्या वो अपने आप ही हो गई, तो वो वाला वर्ड तो मैं बीप कर दूंगा, लेकिन उसने बोला कि क्या ये एक मर्डर है या फिर लड़की खुद ही। मेरे को लग रहा है कि ये जो है एक मर्डर है, सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है, क्योंकि लड़की की चप्पलें जो है टेढ़ी मेढ़ी हैं और उसका एक पैर भी बाहर है, तो अगर खुद से ही उसको डूबना होता तो ऐसा पैर बाहर निकाल के थोड़ी ना डूबती। लॉजिक, ग्रेट लॉजिक। माय लॉजिक इज बियॉन्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड इट हैज नो लॉजिक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। हाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीवार पे हाथों के निशान है। ये नोटिस नहीं करा। हो सकता है हाथापाई के टाइम बचते टाइम ये निशान पड़े हो। लड़की कपड़े सुखा रही थी जब ये हुआ। स्लीपर्स को देखिए, एक अलग तरफ पड़ी हुई है और दूसरी अलग तरफ, मतलब हाथापाई में स्लीपर्स इधर उधर हो गई होगी। देखो भाई, वो हाथ के निशान वाला लॉजिक तो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज अगर तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है, हाथ का निशान तो उसमें भी आता है। तो हाथ का निशान तो लॉजिकल नहीं है। कपड़े जो टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, तो वो हो सकता है कि ढंग से लगाए ना हो कपड़े, या फिर हवा तेज चल गई हो, खिड़की खुली हो, तो वो कपड़े जो है थोड़े से उथल उथल उधर हो गए हो। और चप्पल, हो सकता है लड़की मेरी तरह क्लमजी हो, नहाने आई हो, तो चप्पल एक इधर फेंकी एक उधर फेंकी। सिंपल इसका एक ही लॉजिक है कि लड़की का पैर बाहर है, तो अगर उसने खुद को ही डुबाना होता तो वो ऐसा पैर बाहर निकाल के स्टाइल मार के थोड़ी ना डूबती। इन चीजों को देख के लगता है कि ये एक मर्डर है। ओके चलिए अगली पहेली देखते हैं। माय लॉजिक हैज मोर लॉजिक इन इट। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ओके इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है, क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? इस काम में तो मैं बहुत अच्छा हूँ डिफरेंस फाइंडिंग। ये देखो, बिल्ली जो है यहाँ पे फ्लिप्ड है, 1, ये डिफरेंस। घड़ी में जो टाइम है फ्लिप्ड है, तो 2। उसके बाद ये पॉट जो है ये टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, 3। उसके बाद 6 डिफरेंस बताने थे, अभी तो 3 ही है। हाँ, यहाँ पे ये जो ब्राउन बॉक्स है ये डस्टबिन के लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ब्राउन बॉक्स डस्टबिन के राइट साइड है, 4। यहाँ पे टेबल पे कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है, 5। एक रह गया खिड़की में, तो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ये खिड़की में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को। पेंटिंग में भी कुछ डिफरेंस नहीं है। कैक्टस का प्लांट इधर भी। फिर ये किताबें, ऑरेंज येलो ऑरेंज, ब्लू रेड ब्लू, यहाँ भी नहीं है। छठा डिफरेंस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। छठा डिफरेंस आपको जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखते हैं आप कितने डिफरेंस निकाल पाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, रीच बढ़ जाएगी वीडियो की। अबे यहाँ पे सर्कल नहीं है, नहीं एक्चुअली मैं, मेरे को छठे डिफरेंस नहीं दिख रहा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। छठा डिफरेंस क्या है? ओ, गमला भी फ्लिप्ड है। अच्छा, इसमें ये वाला पत्ता ऊपर है और ये वाला नीचे है, यहाँ पे उल्टा हो रखा है। अगली पहेली देखते हैं। ओह माय गॉड, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। हाँ, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताए इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई ये तुक्के से मैंने वीडियो खोली है और ये कुछ ज्यादा ही इजी खुल गई है, मेरे को लग रहा है यार। मेरा आज तो मैं बहुत ही ब्रिलियंटली इंटेलिजेंट बनने वाला हूँ। सी, और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली, कुछ ज्यादा इजी नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए और बताए इसमें कितने तरबूज है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें बताना है हमें कितने तरबूज है। मेरे दिमाग में अब एक चीज जो आती है, देखो यहाँ पे जो है ये वाला पूरा क्वार्टर 1/4 गायब है, लेकिन वो जो 1/4 गायब है वो 1/4 मिला के ये एक बना है या फिर ये अलग है, ये नहीं पता ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो इसका 1/4 गायब है, इसका 1/4 गायब है, दोनों को मिला के एक हाफ बना, क्या ये वो वाला हाफ है? अगर तो हाँ, एक दो ही हुए। ये सेम इस केस में, ये एक और ये, तो ये दो ही हुए, और फिर ये और ये मिला के एक कम्प्लीट। तो 1, 2, 3, 4
फोर एंड फाइव, लेकिन अगर सारे अलग अलग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 5 है अगर मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तो मैं सबको एक एक काउंट कर लूंगा ना, तो 8 है, वैसे 5 है आंसर इसका मेरे हिसाब से, तो बाकी पता नहीं भाई। इसमें 5 तरबूज है। पहला वाला लॉजिक काम कर गया वहां पर, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया भाई, ज्यादा इंटेलिजेंट। इस पिक्चर पेप्सी का सही है, कौन सा लोगो सही है? अच्छा कौन सा सही है? सेकंड बी रेड ऊपर होता है। देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए भाई, ये यार कितना ब्लू ऊपर होता है रेड ऊपर होता है, तुक्का मार दे बी, मेरे को ज्यादा बी कह रहा था सबसे, मैंने पहले भी कहा था बी, मैं बी कह रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यस, एक लड़की ईस्ट के तरफ देख रही है, ठीक है, और दूसरी लड़की वेस्ट के तरफ देख रही है, ठीक है, फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कैसे है? क्या आप बता सकते हैं? शीशा लगा है? ये वाली लड़की अगर ईस्ट को देख रही है इसका मतलब इस तरफ को देख रही है ना, और ये वाली लड़की अगर वेस्ट को देख रही है मतलब ये इधर देख रही है, तो उधर मुंह अगर मैं सीधा बैठा हूँ ठीक है सामने की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे राइट साइड पे ईस्ट है, मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, कैमरा फ्लिप्ड है तो तुम्हें मेरे हाथ उल्टे दिख रहे होंगे, वो लड़की जो इस साइड बैठी है वो ईस्ट को देख रही है मतलब वो उधर देख रही है, और ये वाली लड़की मतलब उधर देख रही है, उसने एरो उल्टा बना रखे है ना, वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़े हैं, ऑब्वियसली इसकी तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ। अबे अच्छा ये अलग ही सेंस कर दी भाई ने, ये तीनों फिगर को ध्यान से देखिए, पहले फिगर का वैल्यू तो है एक्स जीरो, दूसरे फिगर का वैल्यू है 1, तो बताइए तीसरे फिगर का वैल्यू क्या होगा? आंसर देखने से पहले 4 का आंसर कमेंट कीजिए। द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, जितने पॉइंट्स पे लाइनें मीट कर रही है वो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में 9 इंटरसेक्शन, दूसरे में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मेरे को कसम से लग रहा है आज कमेंट्स आने वाला है, भाई भाई एक इंजीनियर IIIT दिल्ली से ग्रेजुएट किया हुआ लड़का दूसरी कक्षा के क्वेश्चन सॉल्व करता है, शर्म नहीं आ रही है मुझे, क्या पता था इतने इजी आ जाएंगे। कौन सा बंदर इसमें अलग है? कौन सा बंदर अलग है? ये वाला ये रहा। ओ भाई मिल गया, ये देखो सेकंड लास्ट रो में थर्ड लास्ट, मैंने यहीं से देखना स्टार्ट करा, मेरे को पहले ही ये दिख गया। ब्रो व्हाई इज दिस सो इजी एंड हाउ डज दिस वीडियो हैव 7.4 मिलियन व्यूज? इतने इजी, ये तो ऐसा आईक्यू टेस्ट में मतलब लेवल 1 में नहीं 0 है। काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। वाह, चलिए बताइए क्या है ये चीज? आंसर देते से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। व्हाट इज समथिंग दैट इज ब्लैक? बच्चे उसके लाल है और वो जिधर जाए उधर बच्चे जाए। सोचो पहला कोई क्वेश्चन आया जिसमें एक्चुअली में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और ये मेरे से नहीं होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। भाई गेस कर पाया तुम में से कोई? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बट फिर उसमें लाल क्या बच्चे क्या है? और जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। दारू की बोतल काली होती है बोतल, और अंदर उसमें लाल होता है, और फिर जब अंदर जाता है और फिर बोतल थोड़ी ना अंदर जाती है। दारू की बोतल समथिंग ब्लैक एंड रेड, रेड ब्लैक क्या हो सकता है? और क्या है रेड एंड जीप नहीं, बाल नहीं, ऐसे कुछ है, बहुत ही बेसिक आंसर होगा। 10 करोड़ का सवाल है बता। हाँ नहीं आ रहा, और इसका जवाब है ट्रेन। काली काली ट्रेन पहेली से कैसे मैच हुई? काली हाँ। काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। काली काली माँ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आई एम सॉरी, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए, बताइए क्या है वो चीज? सुंदर लड़के। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना है। भाई ने जूते दिखाए क्या? जूता। और जूते, भाई ने पहले आंसर दिखा दिया टाइम खत्म होने से पहले। हाँ। जूता, जूता जूते। अगर क्वेश्चन का टाइमर कंप्लीट होने से पहले मुझे आंसर किसी भी तरीके से पता चल जाए तो मतलब मैंने आंसर सही दिया। भाई ने टाइमर खत्म होने से पहले खुद ही आंसर दिखा दिया, एडिटिंग ग्लिच की वजह से मेरे को तो आंसर मिल गया सही। पांच लड़कियां हैं,
ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 बुक पढ़ रही है, ओके, कोमल खाना बना रही है, कोमल खाना खा रही है, रिया चेस खेल रही है, रिया चेस खा रही है, अब खेल रही है, कपड़े धो रही है, पिंकी कपड़े धो रही है, अनुजा क्या कर रही है, आंसर देखने से बुक पढ़ रही है, खाना बना रही है, चेस खेल रही है, कपड़े धो रही है, तो अनुजा क्या कर रही है? हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, इससे क्या लेना है? आई थिंक अनुजा मेरी तरह खाली है। अनुजा मेकअप कर रही है क्योंकि उसके चीक्स लाल लाल हो रहे हैं। मेकअप है उसके भी पूरा। नहीं, नेहा बुक पढ़ रही है क्योंकि उसके चश्मा लगा है, पर चश्मा तो इसके भी लगा है, तो ये खाना बना रही है क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है, खाना खा रही है, बना रही है, ये चेस खेल रही है क्योंकि क्योंकि इसने चेन पहनी है तो चेस, पिंकी कपड़े धो रही है क्योंकि इसने कपड़े पहने, पर कपड़े तो सब नहीं पहने, इसकी तो बॉडी ही नहीं है, तो ये तो हॉस्पिटल में है। ओह यस, ओह यस, गॉट इट, इन सब की बॉडी तो है, इसका तो शरीर ही नहीं है, तो ये बॉडी बना रही है, ये या तो हॉस्पिटल में है, जिम में है, एक्सरसाइज कर रही है, ये तो कंफ्यूजिंग है। रिया के साथ चेस खेल रही है, अनुजा भाई भाई, एक प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन में दो पायलट्स रहते हैं, दोनों पैराशूट लेके प्लेन से कूद जाते हैं, अरे पर पैसेंजर्स का क्या, खोलने का ट्राई करते हैं लेकिन उनका पैराशूट ओपन नहीं होता है, ठीक है, दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, एक पायलट हेस्टैक की तरफ गिरता है, मतलब सूखी घास, और दूसरा पानी के ऊपर, क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन बचेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। लेफ्ट वाला बचेगा, बिकॉज मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट में देखा था कि जब आप बहुत ज्यादा हाइट से गिरते हो तो पानी भी कंक्रीट की तरह काम करता है, तो अगर आपको लगता है कि आप पानी में लैंड हो जाओगे और बच जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज पानी इतनी ज्यादा फोर्स से आप नीचे आ रहे होगे ना, बिकॉज आपकी जो मोमेंटम इतना तेज होगा, आपकी एक्सेलरेशन जो तेज हो रखी होगी, उसकी वजह से जो पानी रिवर्स फोर्स मारेगा उससे तो चपटे हो जाओगे एकदम पानी में लैंड होके भी, लेकिन हे स्टैक में वो वाला केस नहीं होगा, तो इसलिए हे स्टैक में बच जाओगे। आंसर है हे स्टैक वाला पायलट बच जाएगा। फ्री फॉल में पानी सीमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार रहेगा कि कोई बच नहीं पाएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स बेस्ट, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स अमेजिंग। अब इसी बात पे यूट्यूब इस वीडियो को वायरल कर दो, ट्रेंडिंग पे ले आओ, बहुत सारे व्यूज दे दो। यूट्यूब शॉर्ट्स पे अच्छे अच्छे फैक्ट सीखने को मिलते हैं गाइस, तो अगर आप भी ऐसे फैक्ट सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो खत्म, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगे, जैसे वो था कि वो चेस खेल रही है अनुजा, नहीं वैसे आईक्यू में तो ये है कि अगर वो बैठी वो चेस खेल रही किसके साथ खेल रही होगी, पांच लड़कियां थी एक जगह पर, दिमाग तो वैसे था उस वाली में, लेकिन एक मिनट एक मुझे ट्रेन वाला समझ नहीं, ट्रेन वाला समझ नहीं, अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। काली मार, लाल लाल बच्चे, इंजन को मां थोड़ी कह देते हैं, पता नहीं ट्रेन का इंजन काला होता है वैसे शायद, ट्रेन का इंजन कैसा है, कैसी है थोड़ी बोलते हम, काली तो माँ वाला फैक्टर कैसा आ गया उसके अंदर, उसने कहा है लेकिन हाँ इंजन शायद काला होता है, पता नहीं मुझे, हाँ क्योंकि हम ट्रेन थोड़ी लाल सी दिखा हम उस... लेकिन जरूरी नहीं है ट्रेन लाल ही हो, आज है ना इतने सारे कलरफुल भी होते, पता नहीं भाई भैया ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था वो। मस्त थी, मजेदार थी, और ट्रिगर्ड की वीडियोस में ऐसे इंटरेक्शन देखने मजा आता है, खासकर मुझे एडिट रहती है भाई अब तो तू आ जाएगा ऐसे बोलने के लिए। और वीडियोस है इसका ना बोले, बाकी मुझे लगता है ऐसी ज्यादातर वीडियोस लाइव इंसान चैनल पे आती है ट्रिगर की, कभी कभी इस पे आ जाती है, जैसे एक वो हॉरर व्हाट्सएप स्टोरीज भाई ने बंद कर दी है कि बना के मुझे बनानी चाहिए, वो बनानी चाहिए, जनता जवाब चाहती है, आरटीआई लगा दो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने हॉरर को कॉमेडी बना दिया था। मिलते आपसे को वीडियो के साथ, और मैं स्टोरी टाइम भी मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, जैसे काजू कतली वाली स्टोरी होती थी स्कूल की होती थी, एक बार पुलिस आ गई थी बर्थडे पे लेके चली गई थी, पूरी जिंदगी स्टोरी बनाएंगे, क्यों ना बनाए भाई ने तो लोगों से मेल पे स्टोरी मंगवा ली थी हॉरर स्टोरीज, हाँ जैसे वो अच्छी थी, हाँ सब्सक्राइबर्स वाली जो स्टोरीज थी वो भी। मिलते आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।